हेलो एवरीवन, मैं सूरज कुमार और आज मैंने देखी धड़क। ऐसा धड़क जो बहुत जगह बहुत ही बेहतरीन धड़का, और ऐसा भी धड़क जैसे पिछवाड़े से निकला हुआ भड़ाम बुड़ुम भड़क हो। जी हाँ दोस्तों, मैं ये टोन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मूवी भी यही दो लाइंस की तरह लगी। साफ शब्दों में कहा जाए तो मूवी का फर्स्ट पार्ट में पूरा लवग्राफी दिखाया गया। इंटरवल के पहले अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा है लवग्राफी, जैसे आपके चेहरे में स्माइल भी रहेगा। और अगर आप देखोगे तो ऐसा रहेगा कि इंटरवल के पहले आप देख रहे हो तो आपके चेहरे पर ऐसे स्माइल रहेगी, लेकिन इंटरवल के बाद अगर आप देखोगे ना तो ऐसा हो जाएगा आपका मुँह ऐसा। हालांकि मेरा मुंह ऐसा ही इसके लिए ऐसा होगा, लेकिन सबका मुंह ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा क्योंकि मूवी ऐसी है। फर्स्ट पार्ट बहुत ही अच्छा था, लोगों के चेहरे पे स्माइल थे। सेकंड पार्ट मूवी स्लो एंड एंडिंग वाज शॉकिंग बट डिसगस्टिंग। एंडिंग वाज शॉकिंग बट डिसगस्टिंग। शशांक जो डायरेक्टर है वो बद्रीनाथ की दुल्हनिया, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया एंड ये पिक्चर को यहाँ पर देखोगे इन्होंने सैराट की पूरी कॉपी की, लेकिन एंड में ऐसा फ्लो कर दिया है कि जैसे एक सोशली मैसेज उन्होंने डिराइव कर दिया कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। एंड उनकी प्रीवियस मूवी भी देखोगे तो उन्होंने सोशली मूवी को डिराइव बहुत अच्छे फ्लो पे किया कि हाँ ऐसे मैसेजेस देने की कोशिश की। यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। एंडिंग वॉस लोगों ने ऐसा रिएक्ट कर दिया, फर्स्ट इंटरवल के पहले देखा बोला अरे क्या पिक्चर है भाई, मज़ा आ रहा है। सेकंड पार्ट इसकी माँ का क्या दिखा दिया रे, क्या दिखा दिया, ऐसा बोल रहे लोग, ऐसा रिएक्ट कर रहे। तो दोस्तों मैं म्यूज़िक की बात करता हूँ। म्यूज़िक की बात किया जाए तो बहुत ही अच्छा हुआ कि अजय अतुल ने ही म्यूज़िक दिया, नहीं तो पिक्चर का सत्यानाश हो जाता था, क्योंकि उनकी बैकग्राउंड म्यूज़िक इतनी पावरफुल थी कि ऑडियंसेस को फील आ जाती थी, एक बहुत ही बेहतरीन। एंड इसका टाइटल सॉन्ग तो बहुत ही लाजवाब है, जिसमें श्रेया घोषाल की बहुत ही मधुर आवाज़ जो सीधा दिल को भा जाती, बहुत ही शानदार। हर एक मोमेंट पर जहाँ पर फिल्माया गया वहाँ पर इसकी बैकग्राउंड घुसी है, तो पिक्चर को बहुत ही देखने में मज़ा आता है, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो घंटा परफॉर्मेंस की बात करने लायक है ही नहीं, क्योंकि परफॉर्मेंस उतना बेहतर है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बोलते हैं कि जाह्नवी कपूर का ये डेब्यू मूवी है तो सॉरी, ये डेब्यू मूवी तो बहुत ही घान कर दिया हो। देखिए मैं लुक पे नहीं, मैं टैलेंट की बात करूँगा। अगर लुक देखा जाए तो मुझे तो ऐसा लगा कि वो जब जब पर्दे में आई है ऐसा लगा रैबिट ने ड्रेस पहन के बैठा हो। एक डायलॉग होता है जिसमें ईशान बोलता है कि मुझे पप्पी चाहिए, तो जाह्नवी कपूर बोलती है कि पप्पी यानी कुत्ते का बच्चा, अरे इसकी माँ का वही कुत्ते की बच्चे की बहन जैसा तेरा शक्ल लग रहा है मैडम, मेकअप और अच्छे इंप्रूवमेंट्स इसमें ला सकते थे लेकिन मेकअप वैसे आए नहीं, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि वैसे ही शक्ल लग रहा है आपका, बहुत ही वाहियात। एक्टिंग की प्रैक्टिसेस इनको तो बहुत ही चाहिए जी, एक पर्टिकुलर बॉडी लैंग्वेजेस, एक पर्टिकुलर डायलॉग को लेके एक पर्टिकुलर समझ जो रहनी चाहिए वैसी इतनी नज़र नहीं आई। ईशान खट्टर की बात करूँ तो ईशान खट्टर के मुंह पे पत्थर फेंकने का मन नहीं करेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस उसकी अच्छी थी। यही साल में उनकी प्रीवियस मूवी थी बियॉन्ड द क्लाउड्स, जो बहुत ही बेहतरीन थी, जिसमें परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतर थी, बहुत ज़्यादा। एंड यहाँ पर भी परफॉर्मेंस उसके बेहतर है, हाँ, लेकिन जाह्नवी कपूर का परफॉर्मेंस को देख के तो मैं यही बोलूँगा कि अंधा घोड़ा फौज में दौड़ा, ऐसा ही बोला जा सकता है जी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि उनकी परफॉर्मेंस वर्स्ट थी, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बेस्ट भी नहीं थी, इतना याद रखना जी। यार हमारे जो मालिक है 2-in-1 करण जौहर, वो ऐसे लोगों पे पहले फोकस करते हैं, एंड अभी भी तैयारी में है कि वो शाहरुख सर के बेटे को कास्ट करेंगे एंड ऑल सारे लोगों को कास्ट करेंगे। यहाँ पर अगर आपको मैं साफ शब्दों में बोलूँ, आज थोड़ा टाइम लूँगा लेकिन सुनना ज़रूर पड़ेगा, यहाँ पर अगर मैं आपको साफ शब्दों में बोलूँ कि ये इंडस्ट्री में जगह उन्हीं लोगों के लिए जो स्टार किड्स हो, और यहाँ पे बॉम्बे में अराउंड मिलियंस ऑफ स्ट्रगलर्स आते जो ब्यूटी विद टैलेंट है, बहुत होनहार है, जिनमें बहुत अनोखा टैलेंट है, लेकिन सॉरी जगह हम करण जौहर ऐसे डायरेक्टर्स उनको ही देंगे जिनका फिल्मी बैकग्राउंड हो, आप लोगों के लिए कुछ नहीं। सॉरी, होता है ऐसा है कि यार ये लोग अगर स्टार किड्स से ऐसे काम कराएंगे, ऐसा लगता है जैसे वो लोग ज़बरदस्ती का एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर वही मौका हमारे जो स्ट्रगलर है उनको दे देना तो वो लोग ज़बरदस्ती का नहीं जबकि ज़बरदस्त एक्टर एक्टिंग करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त। नवाजुद्दीन, मनोज वाजपेयी, के मेनन, इरफान खान, ये ऐसे एक्टर, अक्षय कुमार, शाहरुख खान सर, ये लोग की एक्टिंग बहुत ही यूनिक है सर, एंड ये लोग कोई फिल्म में बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन नहीं, हमारे 2-in-1 करण जौहर जी ऐसे ही लोगों को कास्ट करेंगे, अंधा घोड़ा फौज में दौड़ा, यही चीज़ें चलते रहेगी। ये लोगों के लिए एक्टिंग ऐसे दरवाज़ा खोलती है, थिक 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 थिक, अरे अभिषेक बच्चन, अरे तुषार कपूर, अरे इमरान खान, आइए ना दो चार मूवी एक्टिंग कर लेते ना, अरे चार पांच मूवी के बाद एक्टिंग आ जाएगी आपको, आइए ना एक्टिंग कर दे, ऐसा होता है। लेकिन अगर हम स्ट्रगलर की बात करें ना तो वो लोग आएंगे भी ना,
दो साल स्ट्रगल भी करेंगे और बोलेंगे सर हमें एक रोल दे दो, एंड अगर उनको दो मिनट का भी किरदार अगर किसी भी मूवी में दे दिया जाता है ना, तो वो दो मिनट के किरदार में वो लोग आग लगा देते, ऐसा आग लगा देते एंड ऐसा इंटरेस्ट उनके आँखों में नज़र आता है एक्टिंग को लेके, वो शायद ऐसे स्टार किड्स में नज़र कभी नहीं आएंगे। क्योंकि क्लियर मेरे देश का फंडा ही यही है कि गरीब लोग मौके की तलाश में मर रहे और अमीर लोग गरीबों का मौका लेके मार रहे, वेयर इज द डिफरेंस, कुछ नहीं है जी। मैं तो एक ही लाइन बोलूँगा कि मेरा देश झुका हुआ है, इससे पहले गिर जाए इस झुकने हुए को सलाम देके उछल आना है। इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हम लोग वो लोगों को ज़्यादा सपोर्ट एंड अप्रिशिएट कर रहे जो डिज़र्व नहीं कर पा रहे, और मैं किसी के जलन के बिहाफ में नहीं बोल रहा, मैं इनके बिहाफ में बोल रहा हूँ जो एक्चुअली ये सब चीज़ों को बहुत डिज़र्व कर रहे। ये लाइन के कंपैरेटिवली में अगर देखा जाए ये लाइन के माध्यम से, तो बहुत सारे ऐसे स्ट्रगलर्स हैं जिनको मैंने खुद देखा है यार, ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स खुद बोलते कि यार स्ट्रगलर्स को अगर अपॉर्चुनिटीज़ दे तो वो खा जाएंगे मार्केट, वो खा जाएंगे, लेकिन नहीं, हम लोग सपोर्ट एंड अप्रिशिएट उनको ही करेंगे जो पहले से ही है भाई, जो पहले से ही अर्निंग कर रहे, फिर चाहे ये लाइन हो या कोई भी लाइन हो, 12वीं फेल देश के शिक्षा मंत्री हो सकते हैं, फिर तो कुछ भी हो सकता है जी, हम लोग सपोर्ट करेंगे। लालू प्रसाद यादव का बेटा पॉलिटिक्स में घुस सकता है तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्या? हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं जी, हम लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन हम लोग बैठ के व्हाट्सएप एंड फेसबुक पे बस ग्रुप खेल रहे और कुछ नहीं, और कुछ नहीं कर रहे जी। लेकिन यहाँ पे ऐसे ही होता है, अगर बॉलीवुड का मैंने देखा और मैंने बोला इसलिए बोला क्योंकि सर यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि हम लोग उन लोगों को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे जो लोग डिजर्व नहीं करते, एंड हम लोग उन लोगों को बहुत नीचे देख रहे हैं जो लोग आने की कोशिश में, जो लोग ये चीज़ को बहुत ही ज़्यादा डिजर्व करते, वी नीड टू अप्रिशिएट देम बट नथिंग। बस मेरे को देखो इतनी इंग्लिश आती है, मेरे को इतना ही बोली बच्चन आता है, फिर अगर आपको ये मेरा चैनल पसंद है तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे को खुद को नहीं मालूम मैंने क्या क्या बोल दिया आपको। एंड धड़क को अगर ओवरऑल रेटिंग दिया जाए तो मैं धड़क को रेटिंग दूंगा 3.5 out of 5। एंड आपने सुना क्या, मेरे पीछे अभी थोड़ी देर पहले कुत्ते लोग भौंक रहे थे, वो इसलिए भौंक रहे थे कि भाई तू बॉलीवुड रिव्यू देखे सीधा पॉलिटिक्स की बात करे तो इससे अच्छा हम लोग का भी चड्डी बनियान का बात करना मोदी जी से, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं, मजाक कर रहा हूँ। तो जी अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए, मैं बहुत ही अनोखी चीज़ लाऊंगा आपके सामने और हर बार अलग लाऊंगा और अलग छाऊंगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस ऑल, टेक केयर।